मनीष कश्यप को बिहार के जेल में रखा जाएगा ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। ये खबर अभी तक आपने तो जरूर सुन ली होगी। लेकिन मनीष कश्यप के बहुत सारे वीडियो फोटो वायरल हुए जिसमें वो भावुक थे, रोते हुए नजर आए, और जब पटना कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी के आंसू झलके और कोर्ट से निकलते हुए ही जो है उनके समर्थक उन पर फूलों की बरसात करने लगे। वो भी रोने लगे, और इसलिए रोने लगे कि एक इंसान जो एक पत्रकार था उसके समर्थन में इतने सारे लोग बिहार के अन्य अन्य प्रांतों से आए थे, और वो इसलिए आए थे कि मनीष कश्यप का हम समर्थन करने आए हैं और देखने आए हैं। हम बिहार के उस लाल को देखने आए हैं जो पिछले 4 महीनों से तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद था, जिससे बिहारवासी मिलना चाहते थे लेकिन पैसे के अभाव के कारण, ट्रेन और इसके बाद जहाज के अभाव के कारण वो नहीं मिलने जा पा रहे थे। लेकिन जब अपने शेर को आज कोर्ट के अंदर वो देखे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी के आंसू थे, और इस पल को देखकर मनीष कश्यप भी भावुक हो गए। अब पूरी घटना बताते हैं कि कल पटना कोर्ट में क्या क्या घटित हुआ। दरअसल 9:30 सुबह व्यवहार न्यायालय पटना में मनीष कश्यप को पेश किया गया, उनको जज रूम में रखा गया। उनके आने से पहले ही बहुत सारे समर्थक वहां पर पहुंच चुके थे, वो इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप अब आएंगे, और अंततः महिंद्रा की एक गाड़ी में बैठकर मनीष कश्यप की व्यवहार न्यायालय में एंट्री होती है। गेट के पहले ही तमाम लोग जिंदाबाद के नारे के साथ वहां पर खड़े थे, और जैसे ही मनीष कश्यप की गाड़ी आई भागते हुए वो भी व्यवहार न्यायालय की तरफ आगे बढ़े। वकील से लेकर जज तक और वहां पर सुरक्षा में तैनात तमाम पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे, और पुलिस कर्मी भी देखकर हैरान रह गए। यहां तक कि बहुत सारे वरिष्ठ वकील भी देखकर हैरान हो गए कि आखिर मनीष कश्यप के इतने चाहने वाले लोग कहां से आ गए हैं। कोर्ट में उनको पेश किया जाना था, कोर्ट में वो बैठे थे, समय लगभग 11:30 बज रहा था, और बहुत सारे समर्थक जो है जज रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप अब आएंगे। लेकिन अंदर उनको पता चल चुका था कि जज साहब 2:00 बैठेंगे और सुनवाई 2:00 होगी, लेकिन ये चीज उनके समर्थकों को नहीं पता थी। वो बार बार खिड़की से ऐसे जुट करके देख रहे थे, एकटक ऐसे देख रहे थे जैसे मनीष कश्यप को वो एकदम से पा लेना चाहते हैं, एकदम से छीन लेना चाहते हैं। मनीष कश्यप उनको बार बार खिड़की से देखकर समझाने का प्रयास करते हैं कि हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन वो समर्थक नहीं जो मनीष कश्यप के एक बार समझाने पर मान जाए। बस ऐसे लग रहा था कि जज रूम में वो लोग खिड़की से देख देख कर और निगाहों से ही घुस जाएंगे, और इसके बाद वहीं से ही मनीष कश्यप को अपना लेंगे। मनीष कश्यप वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से बार बार इशारा कर रहे थे, मदुरई पुलिस से इशारा कर रहे थे कि सिर्फ एक बार मुझे अपने समर्थकों से बात करने दीजिए, ये मेरी बात मानेंगे और तुरंत ही यहाँ इस परिसर से बाहर चले जाएंगे। बार बार मनाने के बाद मनीष कश्यप की बात जो है वहां पर उनके सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मी सुन लेते हैं, और मनीष कश्यप की मुंडी जो है वो जज रूम से बाहर हॉल की तरफ निकल गई। इसके बाद मनीष कश्यप का आधा सिर अंदर जज रूम में और आधा सिर बाहर था, और उन्होंने बताया कि अगर आप हमारे सच्चे समर्थक हैं तो सच में आपको शांति बनाए रखना है, और आपको या तो यहां शांति के साथ लाइन में एकजुटता के साथ खड़े हो जाना है, आपको जिंदाबाद हल्ला हू नहीं करना है, और अगर आप हमको सच में हमारे साथ न्याय चाहते हैं तो शांति के साथ यहां पर देखिए, क्योंकि हम जज रूम में है और यहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो सच में हमारे समर्थक है, एक प्रकार से कहें तो हमारे सहयोगी है, और वो हमको शुरू से कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए बिहार में ये लोग आए हैं तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि हल्ला हू ना करके, जिंदाबाद ना करके आप लोग जो है इनका समर्थन करें। और इतना कहते ही मनीष कश्यप को जो समर्थक वहां जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वो मनीष कश्यप की बात मानकर तुरंत गेट के बाहर चले गए और यहां तक कोर्ट परिसर से बाहर चले गए, और इंतजार कर रहे थे कि 2:00 मनीष कश्यप जो है वो जब निकलेंगे तो पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या आया है। और यही चीज मनीष कश्यप को सबसे बड़ा पत्रकार और महान पत्रकार बनाती है कि सर एक पत्रकार की बात इतना लोग मानते हैं कि सिर्फ उसके कह देने मात्र से उसके समर्थन में खड़े तमाम हजारों सैकड़ों लोग जो वहां इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप को मैं देख लूं, एक झलक पालूं, मनीष कश्यप के फैसले का इंतजार कर रहे थे, वो मनीष कश्यप के एकमात्र एक बार कहने से ही वो तुरंत कोर्ट परिसर से ही बाहर गेट पर खड़े होकर मनीष कश्यप का इंतजार करते हैं। अब समय हो गया था, 2:00 और अब सुनवाई की समय आ गया था। मनीष कश्यप को कोर्ट में जज साहिबा के सामने पेश किया जाता है, और जज साहिबा फैसला सुनाती है कि मनीष कश्यप अब
बिहार के ही जेल में रहेंगे। वकील साहब पूछते हैं कब तक, वो कहती हैं जब तक हम हैं तब तक। और ये चीज जब लोगों को पता चली, उनके प्रशंसकों को पता चली, उनके समर्थकों को पता चली, तो कोर्ट परिसर में ही जज के चेंबर से ही हल्ला हुआ और जिंदाबाद के नारे लगने लगे और उनके ऊपर फूल और मालाएं बरसाने लगी। उस वक्त मनीष कश्यप सच में भावुक थे कि मैं एक सिंपल सा साधारण सा पत्रकार था, लेकिन मेरे चाहने वाले इतने हैं कि आज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यही चीज मनीष कश्यप को खास बनाती है। इसके बाद बाहर जब उनको कोर्ट परिसर से बाहर लाया गया, तो फिर से गाड़ी जब लेकर उनको निकली, तो उनके समर्थक लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक खड़े होकर जिंदाबाद और मनीष कश्यप के ऊपर फूल और माला बरसा रहे थे। मैं इन तमाम चीजों को, इन दृश्यों को बड़ी करीबी और बारीकी से वहां पर देख रहा था, क्योंकि मैं मनीष कश्यप का एक मित्र होने के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी था और वहां पर खड़े होकर इन तमाम चीजों की कवरेज कर रहा था।